हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। माय सेल्फ मिस प्रिया एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। इट्स ऑल अबाउट ग्रामर। सो बेसिकली जो वीडियो है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेटर राइटिंग। एंड जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो मैंने दो वीडियोज डाली थी, उसमें मैंने लिखा था हाउ वी कैन राइट अ लेटर। जैसे कि हमें पता है, जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर्स, दे आर फोर टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। द फर्स्ट वन इज बिजनेस और कमर्शियल लेटर, सेकंड इज ऑफिशियल लेटर, थर्ड इज लेटर टू द एडिटर एंड द फोर्थ वन इज एप्लीकेशन, मीन्स हाउ टू राइट एप्लीकेशन। एंड मैं वन बाय वन एक एक पैटर्न को, एक एक फॉर्मेट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। एंड दिस इज द थर्ड पैटर्न, ओके, दिस इज द थर्ड फॉर्मेट। इससे पहले की जो तो फॉर्मेट थे बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे उस पार्ट को नहीं देखा है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारी डिटेल्स ले सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपडेट कर रखा है। ओके, मूविंग फर्दर, दिस इज द थर्ड टाइप एडिटर लेटर, मीन्स हाउ वी कैन राइट अ लेटर टू द एडिटर। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर 9th एंड 10th क्लास। क्या होता है कि हमें तो कभी कभी ऐसा फील होता है, या आप नॉर्मली आपके मन में आ रहा होगा कि ज़्यादातर सारे फॉर्मेट्स तो सेम ही है, बट बाय मैम इज़ यूजिंग ऑल दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इन अ डिफरेंट वे। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि जब हमें बोर्ड एग्जाम्स में जब हमें लेटर राइटिंग आती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एडिटोरियल बोर्ड के लिए आएगी या कमर्शियल लेटर हो सकता है। हो सकता है वो कमर्शियल हो, ऑफिशियल हो, या फिर एडिटर लेटर हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक छोटी से छोटी हर एक बारीक पे ध्यान दें। तो वो डिफरेंसेस क्या है, वो अब हम आगे जानेंगे। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम ना, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकन सो डैट वेन एवर आई यूज टू अपडेट एनी न्यू वीडियो, आपको उसकी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो वॉट इज एडिटर लेटर, क्या होता है एडिटर लेटर। वैन वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस अवर व्यूज और ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक विच इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट, वी कैन राइट टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़ पेपर। जब भी हम अपनी बातों को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी भावनाओं को, या अपनी जो एक लैंग्वेज है, अपनी चीज़ों को, जब हम किसी की पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब जब क्या होता है सार्वजनिक तौर पर बताना चाहते हैं कि हमारी सोच क्या है, हमारी दृष्टि क्या है इस बात, किसी बातों को लेके, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, किसी भी एडिटर को, जो एक डिजिग्नेट पोस्ट होती है, डिजिग्नेशन होती है एडिटर की, उन्हें हम लेटर लिखते हैं कोई भी न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, ताकि हमारी जो पोस्ट है, हमारा जो लेटर है, वो पब्लिश हो सके और लोगों तक वो बातें हम पहुँचा सकें। इफ आवर कम्युनिटी फेसेस प्रॉब्लम्स लाइक वाटर स्कार्सिटी, पावर फेलियर कैन बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ऑफिशियल्स कंसर्न टू द फॉलोइंग ऑफ न्यूज़पेपर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारी कम्युनिटी में या हमारी सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में अगर कोई दिक्कत हो रही, कोई इशू है, जैसे कि पानी की कमी हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ रही है, या फिर नाले में पानी भर गया है, या कोई भी चीज़ है जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं, जो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एडिटर लेटर लिखते हैं। ओके, वन कैन राइट अ लेटर टू द एडिटर, कि हर एक कोई इंसान एडिटर को लेटर लिख सकता है। इट डजेंट मीन कि अगर हम सोशल वर्कर नहीं है तो वी कांट राइट, यस वी कैन, बट क्या होता है उसके संग हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, डैट वॉट एवर वी आर राइटिंग इन सच लेटर ना, डैट शुड बी ट्रू, कि हम जो भी उस लेटर में लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब हमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करना है कि जिसके बाद हमारे ऊपर कोई इशू आए, कोई हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो बिफोर राइटिंग लेटर वी शुड मेक श्योर कि हमने जितनी भी बातें उस लेटर में लिखनी है, वो सारी की सारी बातें सच हों। ओके, देर आर सम बेसिक रूल्स फॉर राइटिंग अ लेटर, फॉर राइटिंग बेसिकली एडिटर लेटर, दीज आर द फॉलोइंग। द फर्स्ट पॉइंट इज द लेटर्स आर एड्रेस टू द एडिटर। जो हम लेटर लिखते हैं ना, वो हम किसको एड्रेस करेंगे, एक सिंपल से बेसिक चीज़ है, द एडिटर को। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट सैल्यूटेशन शुड बी सर और डियर सर। कि जब हम एडिटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो हम जब सैल्यूटेशन दे रहे हैं, या तो वो सर होगा या डियर सर, नॉर्मली ये दो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हम लास्ट में सब्सक्रिप्शन देते हैं अपना, इट इज जनरली योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, या योर्स सिंसियरली, तीन, दो या तीन तरह के वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं एडिटर लेटर में। इफ द राइटर डजंट वॉन्ट हिज नेम टू बी पब्लिश्ड, ही मे रिक्वेस्ट द एडिटर विथहोल्ड लेटर पब्लिश्ड ओनली लाइक अ सफरर और वन हु नोज एक्सेट्रा। इन केस अगर आपने कोई लेटर लिखा और आप नहीं चाहते हैं कि आपका नाम सार्वजनिक तौर पर पब्लिश किया जाए, तो इसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका नाम छुपाया जा सके, या फिर अगर आप किसी दुर्घटना से या किसी प्रॉब्लम से अगर आप पीड़ित हैं तो आप लिखवा सकते हैं सफरर, अगर आप किसी चीज़ की सूचना दे रहे हैं तो आप लिखवा सकते हैं वन हु नोज। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज अ लेटर विदाउट अ सिग्नेचर फुल एड्रेस ऑफ द राइटर विल बी रिजेक्टेड। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर आपने लेटर लिखा है, ठीक है ना, बट अगर आपने अपना एड्रेस, अगर आपने अपने सिग्नेचर नहीं छोड़े हैं वहाँ पर, नहीं लिखे हैं वहाँ पर, नहीं किया है, तो वो लेटर आपका क्या होगा, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो पब्लिश नहीं होगा। द
लास्ट पॉइंट पॉइंट्स फॉर आर्गूमेंट शुड बी स्टेड विदाउट एनी एम्बिगिटी, मतलब कोई भी उसमें हमें तोड़ मरोड़ नहीं करना, हम अपनी जो भी बातों को कहना चाहते हैं, जो भी अपनी बातों के आर्गूमेंट्स को जो भी हम स्टे करना चाहते हैं स्टेट करना चाहते हैं वो हमें डायरेक्टली करनी है, उसमें कोई भी हम तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। नाउ द फॉर्मेट ऑफ लेटर, हम एक एग्जाम्पल देखने से पहले हम देख लेंगे फॉर्मेट क्या होता है इस लेटर को लिखने का। बेटा लोग बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि फॉर्मेट में थोड़े से ही चेंजेस होते हैं, और हमारे जो बोर्ड्स, जो हमारा बोर्ड होता है ना सीबीएसई बोर्ड जो होता है, वो जब नंबरिंग करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें देता है कि हमने जो फॉर्मेट अप्लाई किया है अपने एडिटोरियल लेटर में या फिर ऑफिशियल या बिजनेस लेटर में, वो फॉर्मेट सही है या नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट अपडेट किया है, कि क्या है हमने कैसे फॉर्मेट दिया है। द फर्स्ट थिंग इज वी हैव रिटन द सेंडर एड्रेस, पहले हम क्या लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, मतलब हम अपने एड्रेस यहाँ पे डालेंगे जो लिख रहा है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अगर बोर्ड में आपका नाम दिया गया, आपका एड्रेस बताया गया है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, तो आप वही एड्रेस डालेंगे, आप अपना एड्रेस नहीं डालेंगे। अगर आपका एड्रेस उसमें दिया गया तो आप वही एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे नहीं करना, जितना क्वेश्चन ने पूछा है सिर्फ उतना ही आपको वहाँ पे लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद एक क्लाइंट का स्पेस देते हैं, और उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं डेट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जब भी लेटर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे द एडिटर, तो द एडिटर कॉमन सी चीज़ थी, यह हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ओके एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिसीव कर रहा है इस लेटर को हम उनका एड्रेस डालेंगे, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पॉइंट। एक छोटी सी यहाँ पे चेंजेस है सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन की, क्या है इससे पहले जो मैंने लेटर डिस्कस किया था ऑफिशियल लेटर, उसमें क्या था पहले हम सैल्यूटेशन देते हैं उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं, बट इसमें क्या चेंजेस हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हम सैल्यूटेशन देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। इसमें आपकी फ्लुएंसी देखी जाएगी, वो कैब देखा जाएगा कि आप कितने एक्सप्रेसिव वो कैब को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी फ्लुएंसी क्या है, आपने टेंसेस और वर्ब का इस्तेमाल सही किया है कि नहीं। बॉडी ऑफ द लेटर की बात करते हो, अगर हमने किसी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं तो पहले हम वहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे वो प्रॉब्लम है क्या, क्या रीज़न रहा है, उसके बाद हम मेन कंटेंट देंगे उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बाद कंक्लूजन कि हमारी जो सरकार है प्रदेश सरकार उसको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, और उसके बाद हम क्लोज करते हैं अपने लेटर को, तो हम उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद सहित लिखते हैं इन हिंदी, उसको हम क्या कर देंगे थैंक यू लिखेंगे। और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया था क्लोज कैसे करेंगे, या तो योर सिंसियरली या फिर फेथफुली या ट्रूली, और लास्ट में अपना नेम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपका एड्रेस या फिर आपका नाम क्वेश्चन में दिया गया है देन यू हैव टू राइट द नेम, अगर फुल नेम दिया गया तो फुल आप नेम लिखेंगे, अगर अपने सरनेम भी संग लिखेंगे, अगर सिर्फ सिंगल नेम दिया है तो आप सिंगल नेम लिखेंगे, बट जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताया जाएगा सिर्फ उतना ही। डिजिग्नेशन अगर आपकी बताई गई है तो आप डिजिग्नेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यू आर कविता शर्मा ऑफ 1/5B कैलाश हिल न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन द सिटीज। क्या किया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आप क्या हैं, कविता शर्मा है, यहाँ पे आपका नाम क्या किया गया है मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे आपका एड्रेस भी दे दिया गया है, और ये भी बता दिया गया है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके बाद क्या करना है आपको एक पत्र लिखना है, किसको लिखना है द एडिटर को लिखना है, किसको किस न्यूज़पेपर के लिए लिखना है द टाइम हिंदुस्तान टाइम्स, किसके लिए लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स के लिखना है, और किस लिए लिखना है आपको दिखाना है कि आपको कंसर्न दिखानी है कि जो स्लम एरियाज में जो स्लमीज जो हो रहे हैं, जो एरिया जो स्लम में डूबते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, जो ग्रोथ हो रही है उन सिटीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे एक लेटर लेके दिखाया और सारे डिस्क्रिप्शन भी दे रखे हैं कि आपको कैसे कैसे क्या लिखना है, जो फॉर्मेट मैंने अभी डिस्कस किया था। तो फॉर्मेट में हमने जब क्वेश्चन डिस्कस किया तो यहाँ पे मेरा एड्रेस था, तो हमने क्या किया यहाँ पे पहले एड्रेस लिख दिया जो हमें मिला था, इसके बाद हमें क्या देखना है कि पहले तो हमने एड्रेस देना था जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बहुत बता दिया गया था, तो हमने पहले एड्रेस लिख दिया। आफ्टर डेट क्या था, सेकंड पॉइंट में क्या करना है डेट, डेट लिखने से पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे ना स्पेस, और हाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस लेटर का, ये जो लेटर मैंने लिखा है मैंने इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार आप लेटर को PDF के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा, और उसको आप अपने फर्दर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। अपना एड्रेस लिखने के बाद, सेंडर एड्रेस लिखने के बाद हम क्या करेंगे एक लाइन का स्पेस देंगे,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। डेट के बाद हमें फिर एक लाइन का स्पेस देना है। ओके, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिएगा। सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद हमने क्या किया, एक लाइन की स्पेस दिया, इसके बाद हमने डेट को मेंशन किया, फिर हमने एक लाइन स्पेस दिया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे और उनकी डेजिग्नेशन मतलब उनकी पोस्ट लिखेंगे। तो जो रिसीवर है वो क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर बोर्ड में है, एडिटोरियल बोर्ड में, तो हमने लिख दिया द एडिटर। फिर किस न्यूज़पेपर के लिए वो, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए वो वर्क करें, बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं अभी हमने बात की उसमें हिंदुस्तान टाइम्स के आगे बात कोई भी डिस्कस नहीं किया गया था कि वो कहाँ के हैं, किस जगह के हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे एड्रेस मेंशन नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया, जितना क्वेश्चन पूछेगा, जितना क्वेश्चन बताएगा, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। ओके, इसके बाद क्या, हम सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट कभी लेंदी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट और बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन द सिटीज, सिटी एरियाज़ में जो स्लम एरियाज़ की जो ग्रोथ हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके हम एक नज़र डाल रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद हम फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, उसके बाद हम सैल्यूटेशन देंगे। सर, या तो आप सर लिखिए या डियर सर लिखिए। इसके बाद हम एक लाइन का फिर स्पेस देंगे और उसके बाद हम अपने लेटर को लिखेंगे। थ्रू योर स्टीम कॉलम आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द ग्रोथ ऑफ स्लम इन द सिटी। फॉरमोस्ट अमंग द रीजन इज द लार्ज ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस लीडिंग टू द मास माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल्स टू द सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। हियर दे आर बाउंड टू कंस्ट्रक्ट टेम्पररी जुगियस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इन कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम स्लम्स एज दे आर नो सिविक एम्यूनिटीज। ओके, यहाँ पे ये हमारा पहला पैराग्राफ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हम अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब बॉडी ऑफ लेटर हमने फॉर्मेट, आपको फिर से एक बार दोबारा फिर अपने पीछे ध्यान में देना होगा कि जब मैंने बॉडी ऑफ लेटर की बात की थी, हमने क्या करना था, पहले डिटेल बतानी थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम आपकी जो कॉलम, जो आपका एडिटोरियल कॉलम जो है, वो उसके थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ कि एक जो ग्रोथ हो रही है स्लम हमारी सिटीज में, स्लम एरिया का जो ग्रोथ हो रहा है, इसका यही रीज़न रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो गाँव के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, सिटी की एरिया में आ रहे हैं कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना क्या होता है, वो अपने लिए एक टेम्पररी झुग्गी, झुग्गी क्या होती है, जहाँ पे जो स्लम एरियाज में जो घर होते हैं उनको कहा जाता है झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी, झोपड़ी वगैरह जो होती है वो बना ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए नेचुरल प्रॉब्लम से। बट इसी की संख्या हो रहा है कि वो जो स्लमी एरिया वो बढ़ते रखी, क्योंकि सिविक एम्यूनिटीज, सिविक एम्यूनिटीज क्या होती है, लाइक सैनिटेशन प्रोसेस और आपका हो गया, और क्या कहते हैं कि आपका ड्रेनेज सिस्टम अगर वहाँ पे ढंग से नहीं बना हुआ है, पानी का निकाल कहीं से नहीं हो रहा, निकास कहीं से नहीं हो रहा है, और आपका क्या कहते हैं कि वॉशरूम वगैरह नहीं बना हुआ, तो ये जो है नॉर्मल सिविक एम्यूनिटीज वहाँ पे तो हमारी सरकार बना नहीं रही, और जिसकी वजह से वो जो एक सिटी का जो एक एरिया, एक जो टुकड़ा है, वो कहीं ना कहीं स्लम एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद हमने पैराग्राफ चेंज किया, इसके बाद क्या करें, हम एक आइडिया दे रहे, एक मीजा दे रहे कि सरकार को इस पर कैसे वर्क करना है। तो आपने ध्यान दिया सिविक एम्यूनिटीज के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया, फिर मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गई। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब इट डजेंट मीन कि हम थोड़ा सा लाइन को छोड़ के लिखेंगे, नहीं, नेक्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे और सेम जो मार्जिन से हम चल रहे हैं, एक सब कुछ एक लाइन में। अगर आप ध्यान से मेरे लेटर को देखेंगे तो मैंने सारा का सारा फॉर्मेट एक स्ट्रेट लाइन में ही लिखती गई हूँ, कोई भी लाइन में आगे पीछे नहीं करना है। ये सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है लेटर राइटिंग, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेकंड पैराग्राफ में मैंने आइडिया दिया, टू चेक द ग्रोथ ऑफ स्लम इन द सिटीज आवर गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन इन द रूरल एरियाज, कि अगर हमें ग्रोथ को देखना है, स्लम एरियाज में जो ग्रोथ हो रही है अगर हमें इन्हें कंट्रोल करना है, तो हमारे सरकार को क्या करना चाहिए कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कोशिश करे कि गाँव वाले एरिया में, रूरल एरिया में वो कंट्रोल हो सके, और जो स्लम डवेलर्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करके वो ड्वेलिंग यूनिट्स को ला के और अफोर्डेबल प्राइस कर सके, ताकि उस एरिया को और भी ज़्यादा थोड़ा सा इन्हांस्ड कर सके, ताकि उन्हें भी कोई इशू ना हो। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर फुल स्टॉप लगाया और मैंने थर्ड पैराग्राफ में आ गए। थर्ड पैराग्राफ है तो आप एंड कर लीजिए, कंक्लूजन क्या लीजिए, बात सेम है, अगर आपको बॉडी ऑफ लेटर याद होगा तो। बॉडी ऑफ लेटर में लास्ट में कहता है एंड दिस प्रॉब्लम शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड एनी लॉन्गर, कि अब हम इस ये जो दुविधा, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये जो जितनी भी क्राइसिस हो रही है, अब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए। इट हैज़ टू बी टैकल, इससे किसी न किसी तरीके से हमें सॉल्व, शॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना ही है, और सिंसियरली करना है, ताकि जो रिजल्ट हम उसको जल्द से जल्द अचीव कर सके, जो एक स्लम एरिया को एक हेल्दी एरिया में हमें कन्वर्ट करना है, वो और जल्दी टाइम पर अच्छे तरीके से हो सके। लास्ट में थैंकिंग यू या थैंक यू, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है, और इसके बाद क्या होता है, योर्स ट्रूली। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वी मस्ट नेवर यूज़ अपोस्ट्रोफी एस, जो होता है ना योर्स के बाद जो हम लिखते हैं अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा योर्स, ठीक है ना, तो कुछ लोग योर लिखते हैं और फिर अपोस्ट्रोफी एस, इस चीज़ को हमें नहीं लिखना है हमेशा। सिंस नॉर्मली सारे योर्स में हम क्या होते हैं, वाई ओ यू आर एस को कंबाइन करके लिखना है, योर्स ट्रूली कविता शर्मा।
अच्छा एक चीज आपको और ध्यान होगा कि मैंने क्वेश्चन में डेजिग्नेशन नहीं बताई थी, जो राइटर है मैंने उसका डेजिग्नेशन नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं दी, नॉर्मली हमने उनका नाम मेंशन कर दिया एंड दैट्स इट। इन दिस दिस वे यू कैन राइट द ऑल द फॉर्मेट ऑफ एडिटोरियल रिपोर्ट। आई होप आपको ये लेटर समझ में आया होगा, लेटर राइटिंग समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।